Hello friends, hope you are doing very well. And today's lesson is on bullet train, the most important topic for the upcoming exams. Bullet train, why is it important for India? ये इंडिया के लिए क्यों important है? एक summary. Bullet train की एक summary इस lesson में हम पढ़ेंगे, और जो सब आप bullet trains के बारे में जानना चाहते हैं वो सारा इस लेसन में हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेसन मेरा हिंदी में होगा और रिप्रेजेंट किया गया मेरे द्वारा, और मेरा नाम है कुमार जतन। तो हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि बुलेट ट्रेन इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स क्या होंगे। जापान की ये जो टेक्निक है बुलेट ट्रेन की, ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध होगी और इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट इससे पड़ने वाला है। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ बुलेट ट्रेन एंड you should get to know that bullet train is the most important topic nowadays and it is very important for upcoming exams. तो आपको बहुत बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जब यात्रा आई भारत में, जब वो आए तो जापान द्वारा बुलेट ट्रेन के परिचालन हेतु ऋण दिए जाने के बाद से ही चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म है कि ट्रेन आखिरकार लाएगी क्या। हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स देखने हैं, हमें ये देखना है कि ये कितना लाभदायक हमारे लिए रहेगी और इससे क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होने वाले हैं। वाद ये है इसके कि मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन एक ऐसी परियोजना है जिसका आर्थिक व्यवहार्यता, जिसकी इकोनॉमिक अगर मैं बात करूँ, जिसकी पैसों की बात करूं अगर जिसके लिए, तो वो चिंताजनक है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और ये जो सोशल सर्विसेज हैं, हमारी सार्वजनिक सेवा है, उनका आधार कमज़ोर कर देगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है और इसका तो अन्य जो सर्विसेज हैं उन पर पैसा कम खर्च होगा। केवल विशिष्ट जनसंख्यिकीय उच्च आय वाले देशों में बुलेट ट्रेन का सफल परिचालन संभव हो पाया है क्योंकि वहाँ पर हाई एक तो इनकम है, तो इनकम हाई होने से वहाँ पर अगर बुलेट ट्रेन में भी पैसा खर्च हो जाता है तो सोशल सर्विसेज के लिए पैसा बहुत बचता है। तो ये ऐसी देशों में सफल हो पाया है जहाँ पर उच्च आय वाले देश जो हैं वहाँ पर, और जनसंख्यिकी जहाँ पर विशिष्ट है वो, जहाँ कई देश इस प्रयास में नाकाम भी रहे हैं और कई देशों ने इस योजना के संभावित प्रभावों का आकलन करते हुए यहाँ से आगे बढ़ने का विचार ही त्याग दिया। तो कुछ देश इसमें सफल हुए हैं लेकिन कुछ इसमें बिल्कुल नाकाम रहे हैं, और कुछ बिल्कुल जिन्होंने अपने इस सोच को, इस प्रोजेक्ट को ही त्याग दिया, ठीक है। जापान और दक्षिण कोरिया की अगर मैं बात करूं तो बुलेट ट्रेन के परिचालन से संबंधित आंकड़ों पर गौर करना दिलचस्प होगा। जापान की अग्रणी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन टोक्यो को ओसाका से जोड़ती है। यही वो टेक्निक है जो कि इंडिया में बुलेट ट्रेन के निर्माण में काम आएगी। टोक्यो को ओसाका से जोड़ने वाली ये बुलेट ट्रेन की ये टेक्निक वहाँ के सबसे बड़े औद्योगिक और जो इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल केंद्र हैं उनसे होकर गुजरती है, और जापान की लगभग हाफ ऑफ इस पॉपुलेशन इस बुलेट ट्रेन से सीधी जुड़ी हुई है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये बुलेट ट्रेन जो कि जापान में चलती है, वहाँ की कमर्शियल और वहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरती है और वहाँ की लगभग आधी आबादी इस बुलेट ट्रेन से सीधे जुड़ी हुई है, तो हम इंडिया में इसे तब लाने की सोच सकते हैं जबकि हमारे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे इससे जुड़े हैं और इंडिया की लगभग आधी आबादी इससे जुड़े। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया में बुलेट ट्रेन यहाँ की 70% जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको सकारात्मक पॉजिटिवली प्रभावित करती है। फिर भी वहाँ पर बुलेट ट्रेन की व्यवहार्यता को लेकर सवाल उठते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर मुंबई से और अहमदाबाद के मध्य आधी जनसंख्या क्या 1/10 पार्ट भी हम नहीं जोड़ पाएंगे, और वहाँ पर इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल जो सेंटर्स हैं वहाँ से होकर ये ट्रेन गुजरेगी, लेकिन कई ना के बराबर ऐसे सेंटर्स होंगे, ठीक है। फ्रांस, मैंने दक्षिण कोरिया और जापान की बात करी है, उसके बाद फ्रांस के पेरिस ल्यून एचएसआर सेवा को समय समय पर अच्छी खासी सब्सिडी देनी पड़ती है। दूसरी ये क्योंकि $1 अरब का नुकसान है, दिवाली होने के कगार पर पहुँच गई है, तो इस ट्रेन के परिचालन की लागत भी बहुत ज़्यादा होती है, तो को इसका सिस्टम, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। दूसरी बात, इसके परिचालन में की लागत जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, और जैसे कि फ्रांस में इसको चलाने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी देनी पड़ रही है सरकार को, तब कहीं जाकर ये परिचालन में है, तो इसका ये फ्रांस की बात है, ओके।
नेक्स्ट इज कि अर्जेंटीना की अगर मैं बात करूँ तो HSR जो परियोजना है, हाई स्पीड जो रेलवे की परियोजना है, उसकी लागत का आकलन क्या और उच्च लागत को देखते हुए उन्होंने कहा कि केवल कुछ मार्गों पर बुलेट ट्रेन चलाने से बेहतर है कि मैं समूची जो व्यवस्था है उसका ही उन्नयन कर दूँ। मतलब बुलेट ट्रेन अगर चलेगी तो वो कुछ स्थानों पर ही चलेगी, उन स्थानों का ही उन्नयन होगा। तो अर्जेंटीना ने ये सोचा कि मैं सभी स्थानों का ही उन्नयन कर देता हूँ, बुलेट ट्रेन केवल को छोड़ देता हूँ। अर्जेंटीना ने बुलेट ट्रेन की बजाय संपूर्ण सिस्टम ऑफ ग्रेडेशन पर अपनी सभी ट्रेनों को हाई स्पीड ट्रेन की बजाय मीडियम स्पीड ट्रेन में बदलने का फैसला किया है। उन्होंने कुछ दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ दो चार जो मार्ग हैं उन पर बुलेट ट्रेन चलाने की बजाय सब पर सब स्टेशनों का सब ट्रेन का उन्नयन कर दूँ और वहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन की जगह मीडियम स्पीड ट्रेन में चलाऊँ। ठीक है, ये अर्जेंटीना ने सोचा। तो भारत को भी यही कदम उठाने चाहिए, ये ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजेल्स जो है उसके HSR गलियारे की शुरुआत तो की है, लेकिन वो भी अभी घनी आबादी वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक इलाके से गुजरने वाले फिलाडेल्फिया, बोस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, इन DC और ये जो कॉरिडोर हैं इनसे अनिश्चित है। क्योंकि अब जब तक आप इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कॉरिडोर से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप बुलेट ट्रेन के महत्व को, बुलेट ट्रेन की जो वास्तविकता है उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बुलेट ट्रेन के लेकर चीन के अभाव जिनका जो अनुभव है वो सकारात्मक है। सत्य ये है कि बुलेट ट्रेन का किराया कहीं आम आदमी के मुंह से बाहर ना हो जाए, इसके लिए चीन इसके किराए में कटौती करता रहता है। जब कटौती करता है तो सिंपल बात ये है कि सब्सिडी दी जाती है, तो इसके परिचालन लागत जो थी बढ़ गई है। मुंबई अहमदाबाद की जो हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है वो करीब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि ये 4,000 से 5,000 रुपये के किराए पर कम से कम 1 लाख यात्री रोजाना कहीं जाकर ले जाए, मैं रोजाना लेकर सफ़र करे, तब इस परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ आने की गणना की जा सकेगी। अगर इससे कुछ कम होता है तो इसकी लाभ आने की गणना करना व्यर्थ है क्योंकि हानि ही होने वाली है। अहमदाबाद से मुंबई के लिए हवाई यात्रा का टिकट है 2,500 रुपये। जब हवाई यात्रा का टिकट 2,500 रुपये है तो कोई बुलेट ट्रेन में 5,000 रुपये में सवारी क्यों करेगा। ऐसे में इस बात की बड़ी संभावना है कि बुलेट ट्रेन की टिकटें सब्सिडाइज की जाएंगी, 2,500 से कुछ कम की जाएंगी। ठीक है, 5,000 की टिकट में 2,500 तक लाने में सरकार को 2,500 तक की सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिससे सरकारी भेजने पर दबाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट इस परियोजना के बारे में कुछ मिथक भी फैल रहे हैं, वो ये है कि परियोजना के सफल क्रियान्वयन से भारत और जापान के बीच जो टेक्निकल का आदान प्रदान होगा वो सुलभ होगा। हालांकि ये भारत के लिए तर्कसंगत नहीं होगा क्योंकि वो महंगी जापान तकनीक को अगर अपना सके, क्योंकि वहाँ की जो टेक्निक है वो तो अपडेटेड है और वो बहुत महंगी है, तो इस तकनीक को अपनाना भारत के लिए तर्कसंगत नहीं होगा क्योंकि हमें एक पैर आगे रखना है तो दूसरा पैर अगली सीढ़ी पर ही रखना चाहिए, ना कि दो सीढ़ी छोड़कर आगे, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे गिरने का खतरा रहता है। हाई स्पीड रेल निर्माण की जापानी टेक्निक में होने वाला खर्च, स्वर्णिम चतुर्भुज रेल गलियारा है भारत का जो सभी कोनों को रेल से जोड़ने की जो परियोजना है उस पर आने वाले खर्च से 3 गुना अधिक है। अकेली बुलेट ट्रेन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने का खर्चा जो स्वर्णिम चतुर्भुज रेल गलियारा है जो पूरे इंडिया को जोड़ेगा उससे 15 गुना अधिक है। इसके एंटी में बात ये दी जाते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है बुलेट ट्रेन को कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होने के बावजूद भारत में कोई हाई स्पीड कॉरिडोर नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पर हाई स्पीड कॉरिडोर होना चाहिए, बुलेट ट्रेन चलाने के पक्ष में ये है। मतलब ये कि अगर मैं बुलेट ट्रेन चला रहा हूँ तो इसके पक्ष में ये वाद है सारे। तो दुनिया भर के 15 देशों में हाई स्पीड कॉरिडोर है, जबकि तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होने के बावजूद भारत में कोई हाई स्पीड नेटवर्क कॉरिडोर नहीं है, तो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस परियोजना को लेकर राजनीतिक आकलन से बचना होगा। दरअसल ऐसा नहीं है कि जो NDA सरकार है उसने बुलेट ट्रेन को लेकर जमीन आसमान एक किया है, पूर्ववर्ती सरकार भी बुलेट ट्रेन को लेकर काम कर चुकी है। ऐसे में ये कहना कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है ये बिल्कुल गलत कथन है। बुलेट ट्रेन परियोजना के जो आक्रामक आलोचक है उनका तर्क है कि हाल ही में जो रेल दुर्घटनाएं हैं तो उनको देखते हुए भारतीय रेलवे को यात्रियों के लिए तमाम सुरक्षा मुहैया कराए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, जो तो मतलब ये है कि भाई तमाम सुरक्षा तो तभी निश्चित होगी जब टेक्निकल असिस्टेंस पूरा हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो, तभी मैं सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूँ। ओके, तो यात्री सुरक्षा बहाल होनी चाहिए लेकिन इसे बुलेट ट्रेन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप सरकार ने 2014 में जो रेलवे का बुनियादी ढांचा में निवेश के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपये की खर्च की योजना बनाई है, इसमें निवेश को प्राथमिकता देते हुए हम
वर्षों में हम संरचनाओं का नवीनीकरण या उन्नयन भी कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन में जो निवेश हो रहा है वो अवसंरचनाओं के उन्नयन में होने वाले निवेश को एक दूसरे जोड़कर देखना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि दोनों का निवेश आवश्यक है, एक दूसरे के विकल्प नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारी रेलवे प्रणाली मजबूत होगी, और हम बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाएंगे तो हमारा टेक्निकल जो इरा है वो हम नए टेक्निकल इरा में प्रवेश करेंगे। मैं चीन से सीख यह ले रही होगी, 15 वर्षों में उसने 22,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर नेटवर्क विस्तार विकसित किया है और 2020 तक इस नेटवर्क को वो 30,000 किलोमीटर विकसित करने की योजना बना रहा है। जापान की जो शिंकानसेन टेक्निक है वो अत्याधुनिक है बिल्कुल, लेकिन इसमें बेहतर कार्य संस्कृति भी देखने को मिलती है, और ये क्या इंडिया में काम कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। शिंकानसेन जो ट्रेन है अपने साथ जापान की संस्कृति लाएगी, अपने साथ समयबद्धता लाएगी, अपने साथ हार्ड वर्क लाएगी और प्रतिबद्धता लेकर आएगी। भारत को इस एचएसआर का नेटवर्क विकास के लिए जो उन्नत टेक्निक है उसके बेहतर कार्य संस्कृति भी चाहिए, समयबद्धता भी चाहिए, और उम्मीद है कि जापान की बुलेट ट्रेन से इसमें मददगार साबित होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कि आज राष्ट्रों के पास हाई स्पीड रेल नेटवर्क का एक स्टेटस सिंबल है कि किसके पास हाई स्पीड रेल नेटवर्क सिस्टम है। भारत में 25 साल में दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का सपना साजा हुई है। ये पहले से ही परमाणु ताकत से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण में विश्वसनीय प्रगति है। एचएसआर नेटवर्क के देश को विशेष क्लब में शामिल होने का मौका भारत के पास है। भारत के पास बुलेट ट्रेन के परिचालन की तकनीक मौजूद नहीं थी, लेकिन भारत के पास इतनी बड़ी पूंजी थी कि वह इस तकनीक में निवेश कर सके। जापान ने जो सस्ता कर दिया है, सॉफ्ट लोन दिया, किस प्रकार से टेक्निक है, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए भारत एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। टेक्निक भी आ जाएगी और भारत के रुपयों का यूज भी हो जाएगा, ठीक है, और बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। समस्या ये है कि इस परियोजना पर होने वाला भारी खर्च, ठीक है। अब मेट्रो लाइन जिस तरह से बनी हुई है वैसे ही इसका भी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। 1 किलोमीटर मेट्रो मार्ग के निर्माण में 250 करोड़ का खर्च आया था और इस पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है। ऐसे में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन अगर चलानी है तो कम से कम 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी होगी वर्तमान जो लागत है उसमें। एक अलग और विशिष्ट उपक्रम है और मेट्रो रेल की तरह पारंपरिक रेल से बना है, रेलवे से अलग है, और ऐसे में बुलेट ट्रेन का स्वागत इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये वित्त और प्रबंधन का परंपरागत भारतीय रेलवे के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसका कुछ इसके लिए अलग सरकार ने धन आवंटित किया हुआ है और ये जो होगा बुलेट ट्रेन ये मेट्रो रेल से भी बहुत एडवांस्ड होगा। ओके, नेक्स्ट इज इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है और संजय भी है, इन्होंने साबरमती के पास हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की परियोजना की आधारशिला रखी है और एचएसआर के साथ नए उत्पादन अड्डे टाउनशिप को भी विस्तारित करेंगे। इसके लिए आवश्यक सस्ते आवास, लॉजिस्टिक सेंटर्स, उद्योग इकाई के खुलने से छोटे कस्बों और शहरों को भी लाभ होगा, रोजगार बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पालघर और गुजरात के वलसाड जिले के साथ साथ दमनदीव जो कि संघराज्य क्षेत्र है उसमें भी निवेश आकर्षित होगा। बुलेट ट्रेन के निर्माण संबंधी गतिविधियों में इस्पात, सीमेंट और विनिर्माण जैसे संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसमें रसद और वस्तुओं के भंडारण संबंधी मांग में भी बढ़ावा मिलेगा और देश की आर्थिक उन्नति को भी बढ़ावा मिलेगा। नई अस्थायी और स्थायी नौकरियां मिलेंगी, 20,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की संभावना है। परिचालन के संचालन के लिए और ट्रेन की लाइनों के संचालन रखने का लगभग 4,000 नौकरियां और 16,000 अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। जटिल और वृद्ध सड़क परियोजना का प्रबंधन करना भारतीय एजेंसियों के लिए बेहतर अनुभव साबित होगा और भारत वैश्विक परिदृश्य में भारत की छवि भी सुधरेगी और भारत द्वारा इस परियोजना से संबंधित जो कार्य उन पर शुरू करने से पहले आवश्यक मोर्चे पर ध्यान देने की जरूरत है और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के लिए गेम चेंजर होगा, एक इरा चेंजर होगा। भारत का पूरा जो जो वर्तमान परिदृश्य है वो बदल जाएगा इससे, ठीक है। तो ये सब कुछ था मेट्रो के बारे में और बुलेट ट्रेन के बारे में कि बुलेट ट्रेन किस प्रकार से भारत के लिए लाभदायक होने वाली है और किस प्रकार से क्या क्या इसके नेगेटिव साइड्स हैं, तो ये सब हमने पढ़ा। अब आप इसके ऊपर अध्ययन और ज़्यादा कीजिए जहाँ से कहीं से भी आपको मिल सके मटेरियल, ठीक है यार। बुलेट ट्रेन के बारे में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा है तो इसे 5 स्टार रेट कीजिए, आप इसको रिव्यू रिकमेंड भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे अनअकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है anacademy.com/user/JASTINKAIRWL, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन एंड प्लीज़ रेट रिव्यू रिकमेंड करते रहिए। थैंक यू।